खबर बुलंदशहर से है, जहां छत से गुजर रही हाईटेंशन लाइन ने फिर एक बार युवक की जान ले ली। मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ कस्बे का है, जहां आज बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जबकि इस लाइन से पूर्व में भी कई ऐसी घटना हो चुकी है, फिर भी ना जाने प्रशासन क्यों मुक बना हुआ है। मृतक के परिजनों ने बताया कि छत से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटवाने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायती पत्र भी दिया था, लेकिन वहीं ढाक के तीन पात किसी भी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। यदि समय रहते इस अधिकारियों द्वारा संज्ञान ले लिया जाता तो शायद हमारा बच्चा आज जिंदा होता। परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते प्रशासन से दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा नाम सुभाष। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदगढ़। क्या घटना हुई है दादा आज? क्या घटना हुई है? मैं करता हूँ बेलदार, मेरे वो भतीजों के, मेरा सगा भतीजो, हम चाहता हूँ उनके। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही 11,000 की, ये हटनी चाहिए। इससे चार पांच हादसे हो गए हैं यहाँ में, दो पहले है गए और तीसरा ये है, तीसरों के हमारा बेटा खत्म है वो। क्या आप लोगों के द्वारा पहले भी शिकायतें की गई हैं? हाँ, पहले शिकायत रही है, पहले सुनवाई नहीं करते ना पत्रकार को, सबको। तो आप क्या बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल पूरी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।